boys are doing well. So today we are going to start our new chapter, that is lesson number 7 of your textbook. The name of this chapter is External Forces Responsible for the Changes. So in the previous chapter we have learnt about the internal forces. So in that we have learnt about the process of continent, plateau, plain formation, mountain formation through various slow changes, and the process of volcanoes and earthquakes through fast internal changes. Now in this chapter we will learn in deep about the external forces that are majorly responsible for the changes that we are able to see, that we are able to realize in the present. So if we think about ki kya humne kabhi हमारी आंखों से कोई कॉन्टिनेंट को फॉर्म होते देखा है क्या, किसी माउंटेन को अचानक एक रात में फॉर्म होते देखा है क्या? सो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये बहुत स्लो चेंजेस होते हैं. ज्यादातर चेंजेस जो हम अपने आजू बाजू रियलाइज कर पाते हैं, दैट आर मोस्टली बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस. सो दोज चेंजेस दैट वी आर एबल टू सी realize that are caused by the external forces. So we are going to learn in deep about these external forces. So first let us take a look at the rough flow chart about what we are going to study in this lesson. Okay, so external forces, there are basically two types of forces that are acting. First one are the forces that cause the weathering, and the second class of forces cause the erosion. Now weathering is of three types: physical weathering, chemical weathering and biological weathering. And the erosion is of two types: slow wasting and rapid wasting. So in this portion of the video we are going to discuss about the things that I have mentioned in this flowchart. Okay, so let us begin. I'll read. The shape of land is not always same, but it always keeps on changing. सो हमारा जो अर्थ है वो हमेशा सेम नहीं रहने वाला है, इट इज गोइंग टू चेंज विद टाइम. सो व्हाट कॉजेज दिस चेंज? द सेट ऑफ फोर्सेस, द इंटरनल फोर्सेस एज वेल एज द एक्सटर्नल फोर्सेस कॉजेज दिस चेंज. नाउ द इंटरनल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, व्हाइल द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ दोज लैंड फॉर्म्स. तो ये सब जो नए नए माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कॉन्टिनेंट्स, ये सब जो नए नए लैंडफॉर्म्स जो क्रिएट हो रहे हैं, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से होते हैं. और इनमें जो मॉडिफिकेशंस होते हैं कि इनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इनका प्लेस चेंज हो रहा है, ये पहले कहीं और थे अभी कहीं और है, पहले कुछ और दिखते थे आज कुछ और दिखते हैं, तो ये सब जो चेंजेस हैं वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होते हैं. ठीक है, so as I already told in the previous chapter we learnt about the internal forces and now we'll study about the external forces. Now these forces act on the surface of the earth and they act basically by two ways. Now first one is the weathering and second one is the erosion. Okay, so in weathering what happens is ki hamara jo surface mein jo rocks present hai, कुछ फोर्सेस जो हैं उनको वीक करने में और उनको ब्रेक करने में एक्ट करते हैं. ओके, सो ये हमारे अर्थ का सरफेस है और यहाँ पर कुछ ऐसे रॉक्स प्रेजेंट है. ओके, तो कुछ जो फोर्सेस हैं वो इन पे एक्ट करेंगे ताकि ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो कमजोर हो जाए और ये ब्रेक हो जाए. ठीक है, तो ये जो फोर्सेस हैं ये कॉज करते हैं वेदरिंग को, कि अगर इन रॉक्स का स्ट्रक्चर वीक हो रहा है और ब्रेक हो रहा है एट देयर ओन प्लेस, कि जहां पे ये रॉक्स प्रेजेंट थे वहीं पर ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो हम इस प्रोसेस को वेदरिंग बोलेंगे. ओके, एंड जो सेकेंड सेट ऑफ फोर्सेस हैं जो एक्ट करते हैं, ये जो पार्टिकल्स जो ब्रेक हुए हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, तो ये पहले कहीं और थे, अब इन फोर्सेस की वजह से ये किसी और प्लेस में चले गए. सो दिस इज कॉल्ड इरोशन.
तो इरोजन इन जो ब्रोकन डाउन पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इरोजन. सो वी हैव नाउ नो कि व्हाट इज वेदरिंग एंड व्हाट इज इरोजन. वेदरिंग इज एक ही किस एक पर्टिकुलर जगह पे जो रॉक था उसका वीक होना और ब्रेक होना, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग. एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट ब्रोकन मटेरियल फ्रॉम दैट रॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज कॉल्ड एज इरोजन. नाउ विल लुक इन टू इट वन बाय वन. फर्स्ट विल सी वॉट इज वेदरिंग इन डीप. सो इट इज द प्रोसेस एट विच द रॉक ब्रेक्स एट इट्स ओन प्लेस. हियर आई एम एम्फसाइजिंग कंटिन्यूअसली ऑन द वर्ड ऑन इट्स ओन प्लेस, कि जो जहां पे वो रॉक था वो वहीं पे ब्रेक डाउन होगा, तब हम उसको बोलेंगे वेदरिंग. नाउ वेदर, नाउ व्हाई दिस वर्ड वेदरिंग? वेदरिंग बिकॉज इसमें जो फोर्सेस एक्ट करते हैं दैट आर द वेदर एंड सीजनल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. सो व्हाट इज दिस वेदर एंड सीजनल फोर्सेस? तो जब हम सोचते हैं कि वेदर, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि आज का वेदर कैसा है? तो दैट इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी. अगर स्नो गिर रहा है तो स्नो, तो दीज थिंग कंप्राइजेस ऑफ द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. एंड these exactly are the forces that are responsible for the weathering of a rock. So that's why this whole process is called weathering, because the weathering forces are responsible for this process. So as I already told ki temperature, rain, hail, fog, snowfall are the main seasonal forces that are responsible for this whole process, and hence the name weathering is given to it. When a rock is exposed to the weather, its weathering starts and the mineral composition of it suffices the chemical reaction. So, now, अब जब जो एक रॉक है एक जगह पे जो प्रेजेंट है, जब वो इन चेंजेस इन जो फोर्सेज है कि सपोज रेन हो रहा है, पानी गिर रहा है, या टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, या अचानक से बर्फबारी होने लगी, तो जब ये रॉक इन फोर्सेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. नाउ विल सी कि कैसे कैसे ये जो अलग अलग फोर्सेस हैं वो एक्ट करते हैं. कि हम सबसे पहले सिंपली ले लेते हैं, अगर सपोज यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, इफ ऐसे अपना स्नो यहाँ पे गिर रहा है, बर्फबारी हो रहा है, तो एक जो रॉक प्रेजेंट है यहाँ पर, इफ सपोज लेट मी फर्स्ट ड्रॉप दिस, ओके नाउ दिस रॉक इज प्रेजेंट और यहाँ पर ओले गिर गए. एंड आप सभी को पता है कि ओले जो गिरते हैं वो कितने फोर्स के साथ गिरते हैं. हमने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे सिर पे ओले गिर गए एंड इट हर्ट्स. तो क्योंकि उसका बहुत फोर्स के साथ वो बाहर से आते हैं और जो वो हिट करते हैं तो वो एक बहुत प्रेशर के साथ हिट करते हैं. तो वेन अगर यहाँ पे बर्फबारी हो रही है एंड इट फॉल्स ऑन अ रॉक, तो जब ये इसको हिट करते हैं तो ये इसको कमजोर करते हैं. इसका जो रॉक का स्ट्रक्चर है स्टार्टेड टू लूज डाउन. और अगर ये प्रोसेस अगर एक लॉन्ग टाइम के लिए होगा तो देन दिस रॉक विल ब्रेक, एंड इफ इट ब्रेक देन इट इज वेदरिंग. नाउ सेकेंडली टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑल्सो कॉजेस वेदरिंग. हाउ? हमको पता है कि सब्सटेंसेस का नेचर होता है कि इट कंप्रेसेस डाउन, इट कंप्रेसेस एट लो टेम्परेचर एंड इट एक्सपैंड्स एट हाई टेम्परेचर. कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो कोई भी चीज श्रिंक करती है और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो चीज एक्सपैंड करती है. नाउ वी नो कि देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ डे एंड अ नाइट. तो सुबह के समय बिकॉज टेम्परेचर इज हाई बिकॉज ऑफ द सन, तो ये रॉक्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं. हमारी नेकेड आई से हमको ये दिखता नहीं कि अरे रॉक एक्सपैंड कर रहे हैं, बट दिस इज अ थिंग दैट टेक्स प्लेस. कि सुबह के समय रॉक्स एक्सपैंड करते हैं बट हम उसको देख नहीं सकते, बट इट इज देयर. एंड जैसे जैसे शाम होती है एंड द टेम्परेचर फॉल्स डाउन, दीज रॉक्स स्टार्ट टू श्रिंक.
तो इनकी जो ये मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है, मॉलिक्यूलर लेवल जो ये एक्टिविटी हो रही है, कंटिन्यूसली श्रिंक हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो इससे जो रॉक का स्ट्रक्चर है वो वीकेंड डाउन होता है, कमजोर होता है, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम द रॉक विल ब्रेक बिकॉज ऑफ दिस श्रिंक एंड एक्सपेंशन एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज. सो दिस इज हाउ टेम्परेचर कॉजेज द वेदरिंग प्रोसेस टू हैपन. नाउ ये हो गया हमारा डेली टेम्परेचर चेंज. अभी एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज में क्या होता है कि समटाइम्स सपोज देयर इज अ माउंटेन, माउंटेन और से अ ब्लॉक ऑफ बिग रॉक और उसमें ऐसे गैप्स है, ठीक है. अभी कभी रेनफॉल हुआ तो यहाँ पर इसके जो गैप है उसमें पानी भर गया, कहीं पे इनके जो बीच में गैप होता है यहाँ पर पानी भर गया. एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम इफ टेम्परेचर सडनली ड्रॉप्स टू जीरो की इतना टेम्परेचर कम हो गया कि वो पानी फ्रीज हो गया, ये जो यहाँ पे पानी स्टोर था दैट फ्रोज, तो व्हाट विल हैपन कि अभी जो ये पहले लिक्विड था अब नाउ व्हेन इट बिकम्स सॉलिड तो उसको ज्यादा जगह लेके एंड इट विल स्टार्ट टू वाइडन डाउन द गैप. ये जो गैप है इसको ये और चौड़ा बना देगा बिकॉज नाउ इट्स सॉलिड, अब ये बर्फ बन गया एंड इट विल रिक्वायर मोर स्पेस, दैट्स व्हाई इट विल वाइडन द गैप बिटवीन दैट रॉक. सो जब वो गैप को बड़ा करने के लिए प्रेशर अप्लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो वीकेंड डाउन होगा और अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा है तो इट विल ब्रेक, दैट रॉक विल ब्रेक. दैट्स हाउ जो ये वॉटर है ये वेदरिंग में हेल्प करता है. नाउ वेदरिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस बाय इरोजन एंड कंपासेस केमिकल चेंजेस. सो व्हाई मैकेनिकल चेंज, व्हाट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कि अ मैकेनिकल प्रोसेस इज समथिंग इन विच अ चेंज इज क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स. कि अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी चीज में एंड इट कॉजेज something to change, then we say it is a mechanical process. So, मैंने जो अभी examples दी उनमें हमने देखा कि कैसे जो force है, जो चाहे वो किसी temperature की वजह से वो force हो, चाहे बर्फबारी हो रही हो उसकी वजह से force हो, तो एक force apply हो रहा है और ये जो structure है इसमें changes हो रहे हैं. So, that's why we say कि weathering is a mechanical process. नाउ अभी वेदरिंग का अब मैं फाइनली डेफिनेशन बता रही हूँ. वेदरिंग इज अ लोकल प्रोसेस इन विच ग्रेडेशन एंड स्प्लिट ऑफ रॉक्स अकर एट देयर ओरिजिनल प्लेस. कि वेदरिंग से एक जो रॉक प्रेजेंट है वो टूटता है और स्प्लिट होता है एट इट्स ओरिजिनल प्लेस. नाउ अब ये रॉक टूट गया है, ठीक है, अब ये जो पहले इतना बड़ा स्ट्रक्चर था वो उतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, अब यहाँ पर उसके जो टुकड़े हैं वो है. अब नाउ बिकॉज ये छोटे छोटे टुकड़े हैं तो अब किसी भी फैक्टर से, चाहे वो पानी हो चाहे वो हवा हो, तो नाउ इट इज इजियर टू कैरी दोज पीसेस ऑफ दैट ब्रोकन रॉक. तो अब ये किसी भी फोर्स के साथ वो ट्रैवल करेंगे एंड दिस ट्रैवलिंग प्रोसेस की जब ये जो टुकड़े हैं किसी फैक्टर के साथ वो इधर से उधर ट्रैवल करते हैं तो दैट प्रोसेस वी व्हाट वी कॉल दैट प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज इरोजन. बिफोर इरोजन वी विल सी द टाइप्स ऑफ द वेदरिंग. सो एज आई रोट हियर फिजिकल chemical and biological weathering. So basically they are of three type. Physical weathering, distinction of rocks by mechanical process is called physical weathering. So I already told what is a mechanical process. So if some force is applied on that rock and because of that it splits into pieces, then that process will be called as physical weathering because usme ek force apply ho raha hai. द
The action of temperature create cracks on rock. This is known as block disintegration. So मैंने जो आपको temperature वाला factor समझाया था उसका specific name है and it is called as block disintegration and it is a type of physical weathering. Temperature की वजह से जो expansion और contraction होता है I already told. और जो colder areas में मैंने जो बताया कि जो ये rocks में जो वाटर फिल हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ अ लोअर टेम्परेचर इट फ्रोज एंड इट कन्वर्टेड इनटू आइस और जो उसकी वजह से वेदरिंग होती है ऑल दीज एग्जांपल्स आर ऑफ फिजिकल वेदरिंग. सो आई होप कि फिजिकल वेदरिंग इज क्लियर टू यू गाइस. नाउ सेकंड इज केमिकल वेदरिंग. नाउ केमिकल वेदरिंग इज समथिंग विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रॉक. सो व्हाट हैपेंस एंड इन दिस केमिकल वेदरिंग जो मॉइस्चर और जो वाटर है जो मॉइस्चर और वाटर कंटेंट है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो नाउ व्हाट हैपेंस इन केमिकल वेदरिंग कि इफ सम रॉक लाइक लाइम जिप्सम और सल्फर सॉल्ट अगर ये इस तरीके के रॉक है एंड इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद वाटर अगर ये बहुत देर तक के वाटर के कॉन्टेक्ट में है तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि इनका जो केमिकल नेचर है वो चेंज होने लगता है और ये कई बार वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं. ये वाटर के साथ नए कंपाउंड्स बना लेते हैं वाटर के साथ एक नया रॉक बना लेते हैं छोटे छोटे जो रॉक के पीसेस है वो फॉर्म कर लेते हैं. तो इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस देन वी कॉल इट एज केमिकल वेदरिंग की वाटर या मॉइस्चर के प्रेजेंस में अगर किसी रॉक में उनका उसका केमिकल जो कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है एंड इफ अ न्यू रॉक इज फॉर्मिंग विच इज स्मॉलर इन साइज देन द ओरिजिनल रॉक देन वी कॉल इट एज केमिकल वेदरिंग. ओके नाउ द लास्ट वन इज द बायोलॉजिकल वेदरिंग. सो बायोलॉजिकल वेदरिंग उसके नाम से ही इसका मीनिंग क्लियर है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल विच इज समथिंग विच इज लिविंग दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल. सो इन दिस टाइप ऑफ वेदरिंग जो लिविंग थिंग्स है वो एक्ट करती है. नाउ व्हाट आर लिविंग थिंग्स दैट कैन एक्ट वेजिटेशन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. तो ये अगर ये इन तीन चीजों की वजह से वेदरिंग हो रही है तो देन वी कॉल इट एज बायोलॉजिकल वेदरिंग. नाउ समटाइम्स क्या होता है कि एक रॉक है उसमें यहाँ पे कुछ गैप है तो किसी कहीं से उड़ के या किसी बर्ड के साथ या किसी एनिमल के साथ किसी ट्री का सीड आकर के इस क्रैक में हो गया एंड इफ फेवरेबल कंडीशन आर देयर it grows into a tree suppose. okay तो अब जो ये ग्रो करेगा तो इसके रूट्स जो हैं उस रॉक में पेनिट्रेट करेंगे एंड व्हेन दिस हैपन जब वो उसकी रूट जो है उस रॉक के अंदर से अपना रास्ता बनाएगी फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस तो उससे क्या होता है कि ये रॉक का स्ट्रक्चर वीकन होने लगता है कि सपोज उसमें से वो प्रेशर के साथ अपना रास्ता बना रहे हैं तो द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स गेट वीकेंस अप एंड दिस आफ्टर सम टाइम जब वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो दिस रॉक विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस एंड दैट इज अ एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग. नाउ एनिमल्स कैसे कि जो कई एनिमल्स हैं जैसे रैट्स हैं स्क्विरल्स हैं तो ये क्या करते हैं कि ये जो रॉक से उनको स्क्रैच करते हैं उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं. तो एक रॉक अगर किसी एनिमल की वजह से भी अगर वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग. एंड नाउ अस ह्यूमंस तो हम तो रॉक्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि वी यूज इट इन कंस्ट्रक्शन माइनिंग करते हैं हम लोग में घर बनाते हैं तो उसमें सब में हम पत्थर भी यूज करते हैं हम रॉक्स यूज करते हैं तो हमारी वजह से जो भी जो रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं टू स्मॉल पीसेस दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग. सो humans are also an agent of biological weathering. okay so this was all about the weathering process. now we will move on to the erosion process. now external forces are trying to make the surface flat and how now I'll tell it to you simply ki jab ye rocks are break down ho gaye तो अब इन स्मॉल पीसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश होगी एंड दैट होल प्रोसेस इज नोन एज इरोजन. ओके
इरोजन साइकिल. अब इरोजन सुन लिया हमने, अब इरोजन साइकिल. इरोजन साइकिल इज पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है कि वेदरिंग हुआ, उसको ट्रांसपोर्ट किया एंड उसको किसी एक जगह पे डिपॉजिट किया, किसी नई जगह पे डिपॉजिट किया. तो दैट होल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपॉजिशन टू अ न्यू प्लेस इज कॉल्ड एज द इरोजन साइकिल. नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये जो फोर्सेस हैं वो एक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने में. अब ये एक जगह से दूसरी जगह कौन सी होती है, दैट आई विल टेल यू नाउ. नाउ इन दिस इरोजन प्रोसेस जो फोर्सेस हैं वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से करेंगे, द फोर्सेस विल ऑलवेज ट्रांसपोर्ट अ मटेरियल फ्रॉम अ हायर एलिवेशन टू अ लोअर एलिवेशन. कि किसी ऊंची जगह से वो लेकर के किसी नीची जगह पर ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज अ रूल ऑफ द नेचर कि वो ऑलवेज जो है चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, जो फोर्सेस हैं एक लेवल में लाने की. तो दिस इज द लेवल, तो जो फोर्सेस हैं दैट विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग द थिंग्स इनटू दैट लेवल. कि अगर एक हाई सरफेस है तो उसको लो करेगा एंड जो एक लोअर सरफेस है वो उसको एलिवेट करेगा. कितना एलिवेट करेगा, जब तक कि ये जो दोनों सरफेसेस है वो एक इक्वल लेवल पे नहीं आ जाते. एंड दैट कॉजेस द टू टाइप्स ऑफ और टू फेजेस ऑफ इरोजन, दैट इज स्लो वेस्टिंग एंड रैपिड वेस्टिंग. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब ये एक हायर एलिवेशन से ये अब क्या क्या उठा के ले जा रहा है इन रॉक्स के पार्टिकल्स को, तो इट कैन बी विंड, विंड हवा के साथ ये पार्टिकल्स ट्रेवल कर सकते हैं. इट कैन बी वॉटर कि सपोज कोई रिवर है या पानी गिरा बहुत ज्यादा और जब पानी फ्लो कर रहा है तो उसके साथ में ये पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं. ओके, तो चाहे वो विंड हो, वॉटर हो, स्नो हो, अगर ये जो फैक्टर्स हैं किसी चीज को वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये ट्रेवल करवा रहे हैं तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ इरोजन. नाउ व्हाट इज स्लो वेस्टिंग एंड व्हाट इज रैपिड वेस्टिंग. तो जब फ्रॉम अ हायर एलिवेशन, एक ये हाई एलिवेशन पे कोई एक जगह है एंड फ्रॉम हियर दीज इरोजिव फोर्सेस जो हमारा विंड है या वॉटर है, इफ दे पिक अप द पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर एलिवेशन एंड दे ट्रेवल इट टू अ लो टूवर्ड्स अ लोअर एलिवेशन, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्लो वेस्टिंग. कि ये एक हाई एलिवेशन से जब एक किसी लोअर एलिवेशन के टूवर्ड्स ही एक्ट करेगा तो देन इट इज कॉल्ड एज स्लो वेस्टिंग. एंड इसका जो दूसरा नाम है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिनंडेशन. ओके, सो डिनंडेशन एंड स्लो वेस्टिंग आर द सेम थिंग्स, दे आर सिनोनिमस. कि फ्रॉम अ हायर एलिवेशन टूवर्ड्स अ लोअर एलिवेशन जब ये फोर्सेस एक्ट करते हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज स्लो वेस्टिंग. नाउ व्हाट इज रैपिड वेस्टिंग. कि अब ये जो लोअर एलिवेशन का जो लैंड है जब यहाँ पर चीजें डिपॉजिट होने लगेगी तो व्हाट विल हैपन कि इसका जो हाइट है वो अपने आप उठने लगेगा. कि सपोज कोई यहाँ पर एक डिप्रेशन और यहाँ पर मिट्टी या पत्थर आकर के जमा होते जा रहे हैं तो आफ्टर अ कंसिडरेबल टाइम इसका जो हाइट है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन जब ये जो चीजें यहाँ पे आकर के जो डिपॉजिट हो रही हैं
this process of deposition is called as rapid wasting. Okay, and the other name of this rapid wasting is aggradation. So aggradation and rapid wasting are synonymous to each other. They are the same thing. So we have seen कि कैसे जो इरोजिव फोर्सेस हैं, दे ट्राई टू लेवल, दे ट्राई टू बैलेंस द लेवल लेयर ऑफ अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्लो वेस्टिंग एंड रैपिड वेस्टिंग. ओके, सो दिस वॉज अ ब्रीफ पार्ट ऑफ योर चैप्टर. इट इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर एंड इट विल रिक्वायर कंसेक्यूटिव वीडियोज टू कवर इट. सो एंड ऑल द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल रिलेटेड टू ईच अदर. सो आई विल एडवाइस यू to go through it, whatever I have taught today, through your book or through this video. And if there are any doubts, please let me know. Okay? Thank you very much.